देर मैं इस टाइम पे जा रहा हूँ तो मैं उसकी वजह बताता हूँ क्यों। सबसे पहले ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग, स्वागत आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। तो जो मैं कह रहा था कि रात के 4:45 बजे और मैं जा रहा हूँ क्यों हूँ, क्योंकि हम सब लोग जा रहे हैं आज ट्रिप पर। मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे दोनों भाई और मेरी नानी के यहाँ की फैमिली, हम सब लोग जा रहे हैं एक साथ अजमेर। तो उसके लिए हम उठे, मैं फटाफट से नहा धो के रेडी होते। हसन और मम्मी तो नानी के ही, मैं अम्मा पापा हम यहाँ से रेडी हो गए, फटाफट से निकलते, लेट हो जाएगा हमें, क्योंकि अब जो जल्दी से मैं कपड़े वपड़े तो निकाल लिए थे। फटाफट से नहा के कपड़े चेंज करता हूँ, मैं आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में। आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। अब जो हमारा अजमेर का जो वो है ट्रिप है, वो लगभग लगभग 3 दिन की होगी। तो 3 दिन ये रेगुलर ब्लॉग आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएंगे। तो आप ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ कि थोड़ी देर में। भाई देखो, फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। जैसे कि दिख रहा होगा मैं घर में तो हूँ नहीं, मैं घर से बाहर आ चुका हूँ। असल में अब मैं जाऊँ डायरेक्ट नहीं, कि जैसे कि मैंने बताया था कि सब वहीं पर ही हैं। अब्दुल हन्नान जो है वो पहले चला गया था मामू के साथ कार निकलवाने की वजह से। पापा भी घर पे ही हैं, पापा भी आएंगे सब ब्लॉग वॉक करके। मैं घर से निकल चुका हूँ फटाफट से, मैं नानी के जा रहा हूँ। देखो पूरी गली में मेरे अलावा कोई दिख नहीं रहा, डर भी लग रहा, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत हो रही है। रात भर एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आके दे रही, आँखों में नींद हो रही है लेकिन सोया नहीं जा रहा। बहुत मुश्किलों में जाके सो रहा हूँ और फिर बहुत मुश्किलों में जाके उठाऊँ। मम्मी ने 2 कॉल कही थी, दूसरी कॉल पर उठाता हूँ मम्मी की, फिर तब ध्यान आया कि हाँ जाना फ़ौरन उठा, वरना कभी तेजली वैसे मैं उठता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अब काफ़ी टाइम बाद पैदल चलने की वजह से थोड़ा थक भी रहा हूँ, सांस भी फूल रहा है, लेकिन क्या करें, पैदल चलना अच्छी बात है। और दूसरी बात, गाड़ी लेके जा नहीं सकते, गाड़ी खड़ी क्या करेंगे 3 दिन के लिए, घर के नीचे तो खड़ी नहीं हो पाएगी नानी के, तो इस वजह से पैदल ही जाना पड़ रहा है। लेकिन हाँ बताओ, बहुत आएगा, एक्साइटमेंट हो रही है, अजमेर जा रहे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में अजमेर तो पहली बार जा रहा हूँ, रामनगर में जा चुका हूँ 2-3 बार, पहली बार मैं अब अजमेर जाऊँगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी अब फटाफट से मैं नानी के पास पहुँचना लूँ, वहाँ पहुँचते हैं, वेट करते हैं, कारवा सब निकलना है, उसमें सामान लोड करके निकलते हैं फिर आराम से यहाँ से। मेरे हाथ में भी अभी भी एक बैग है, मैं बैग लेकर आ रहा हूँ अभी भी एक घर से, लेकिन फिर भी ये तो करना ही पड़ता। बाकी जल्दी से पहुँचते हैं नानी के और सामान वामान रखवाते हैं गाड़ी में, निकलते फिर फटाफट अजमेर के लिए। तो भाई लोग, फिलहाल हम लोग घर से निकल चुके हैं। इस टाइम पर जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 5:55, ठीक है, थोड़ा लेट निकले हैं 5:30 बजे के आसपास। फिलहाल हमें पेट्रोल पंप पे गाड़ी में डल रहा है तेल, अपनी गाड़ी की टंकी फुल हो चुकी है, बाकी 2 गाड़ियाँ आगे खड़ी हैं, उनके तेल डल चुका, अपनी गाड़ी में तेल डल रहा है। फटाफट से अब यहाँ से आगे निकलते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल लगभग नॉन स्टॉप गाड़ी चला रही है, उसके बाद बीच में 1-2 घंटे का स्टे लेंगे, वो 1-2 घंटे का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नाश्ता वाश्ता करना है, ज़्यादा नाश्ता करके कोई नहीं आएगा घर से, सब खाली पेट ही है। अब जो है फटाफट से पहले यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ रुकते हैं, क्या करना है। मैं तो वहाँ था ना, आगे आगे बहुत नहीं भाई, देखो ना बादल कहाँ है आगे बाजू का। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था, मैं दो के लिए निकल चुका, अब हमने आके पहले स्टॉप दिया है जस्ट फॉर फ्रेश होने के लिए, कुछ खाना पीना कर लिया है, बाकी जो है अभी फ्रेश हो रहा हूँ। देखो जैसे रास्ते में दिखा तो बहुत बढ़िया है, ऐसी जबरदस्त वाली बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है। अभी डेस्टिनेशन पर तो पहुँची नहीं, रास्ते में इतना मज़ा आ रहा है, इसके बाद क्या बताऊँ, काफ़ी शोर आ रहा होगा बारिश के लिए, लेकिन हाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये मामू हमारे ये ड्राइविंग कर रहे थे, ये एक गाड़ी ये लगी, एक गाड़ी वो लगी, मेरा भाई वगैरह सब यहीं पर ही है, सब अपना शोर फ्रेश करने के लिए लगे, काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब फुल एक फन वाली मज़ा आ रहा है। अब बाकी यहाँ से फ्रेश होकर थोड़ा सा निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी दूसरे स्टॉप हम लेंगे जहाँ पर हम खाने के लिए, यहाँ पर समझे वॉशरूम वगैरह निकले हो जाएगा बेफिकल, तो मतलब क्या पानी वानी, मतलब भाई फुल ऑन मदद कर रहे हैं भाई। फिलहाल हम लोगों ने स्टे लिया है, दूसरा स्टे है हमारा, इसके बाद कुछ स्टे नहीं लेंगे, इसका डायरेक्ट हमारा जो होगा रिजॉर्ट की स्टे होगा। बाकी फिलहाल हम लोग इस होटल पर पहुँचे, होटल हाई विकिंग पर, हसन भाई हमारे यहीं पे ही है, उधर का व्यू देखो, वो रहा पहाड़,
और बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। बारिश हो रही है, बारिश में पूरे इस टाइम पे भीगा पड़ा हूँ, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। फिलहाल अब खाना आना खाने आते हैं क्योंकि काफ़ी भूख लग गई है, अंदर चलते खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। भाई लोग फाइनली पुष्कर पहुंच चुके हैं, रिजॉर्ट हम पहुंचने वाले हैं लगभग आधे घंटे में। तो जो रिजॉर्ट जाने का हमारा रास्ता, जो व्यू है बहुत ज़बरदस्त व्यू, जैसे कि देख सकते हो ये यहाँ से लेकर पूरा सामने देखो वो पहाड़ दिख रहे हैं, और ये देखो ये हमारे मामू, इन्होंने आधे रास्ते इन्होंने ड्राइविंग करी, आधे रास्ते में पापा ने ड्राइविंग करी, ड्राइविंग बहुत बढ़िया होगी। और जो आधे रास्ते में बारिश मिली है वो उसमें और मज़ा आ गया कसम से। लेकिन जो एक्चुअल व्यू है रास्ते का, जो व्यू मिला ना पूरे रास्ते आते वो, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आ गया। अब रिजॉर्ट पहुँचने का थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं अपना, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, दरगाह जाते हैं क्या करते हैं। तो भाई पीछे का व्यू दिख ही रहा होगा, फाइनली हम रिजॉर्ट पर पहुँच चुके हैं। पीछे का व्यू जैसे दिख ही रहा होगा, ये थोड़ा पहाड़ वहाड़ का एरिया, रिजॉर्ट जस्ट हमारी आंखों के सामने, और एक्चुअल में बहुत मज़ा आ गया डेस्टिनेशन पे भी और डेस्टिनेशन के रूट पे भी, बहुत मज़ा आया। फिलहाल तो ये रूट है, रूट मतलब ये रास्ता है, ये पार्किंग एरिया उधर, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी हमने खड़ी कर दी है, स्विमिंग पूल है उधर, कैफेटेरिया है। अभी अंदर मैं नहीं गया हूँ, अभी मैं रूम वूम भी कुछ चेक नहीं करा ना कैफेटेरिया चेक करा, लेकिन हाँ मज़ा आ गया। ये देखो मोटे से पूछो मज़ा आया, बढ़िया कितना मज़ा आया। रास्ते में सोए तो बहुत हैं, दो तीन बार सो गए थे क्योंकि थकान भी काफ़ी हो रही थी रात भर में, एक्साइटमेंट के चक्कर में नींद नहीं आई थी। फिलहाल अब जो है फटाफट से नाश्ता वाश्ता करने चलते हैं, नाश्ता तो क्या खाना खाने चलते हैं, भूख लग रही है, थोड़ा बहुत ही रास्ते में खाया पिया था हम सब ने, भूख तो काफ़ी लग रही है यार। खाना वाना खा के उसके बाद अपना स्विमिंग करने जाऊँगा, अगर टाइम मिला थकान नहीं हुई तो मैं स्विमिंग करने के लिए चले आऊँगा। इस टाइम पर हम जो है उसके क्या कहते हैं रिजॉर्ट के प्लेग्राउंड एरिया में आ गया था। अभी खाना वाना हमने कुछ नहीं खाया, अभी जस्ट ये देख के थोड़ा नॉस्टैल्जिया हिट कर गया बचपन का, तो जो है थोड़ा सा हम मजे करने आ गए थे। ये देखो ये भी झूल रहा है, हम भी झूल रहे, लेकिन फिलहाल मैं बच गया, बहुत तेज गया था। बाकी यार काफी मजा आ रहा है, देखो व्यू देखो यहाँ से, ये सब पहाड़ है इधर, ये पूरा हिली एरिया है, तो काफी अच्छा है, काफी मजेदार है। तो भाई देखो लंच वंच कर चुका था मैं, लंच वंच करने के बाद थोड़ा 10-15 मिनट के लिए सो गया था क्योंकि काफ़ी थकान हो रही थी। अब टाइम 5:15 हो रहे हैं, अजमेर तो आए थे हम, अब जब अजमेर आए तो हम सबका ये डिसाइड था, सबसे मेन प्लान हमारा यही था कि अजमेर आने के बाद हम दरगाह जरूर जाएंगे, तो आज के दिन ही हम दरगाह जाएँ क्योंकि कल का दिन हम अपना पूरा रिजॉर्ट में बिता देंगे और पास फिर हमारी घर वापसी ही है, तो इसलिए अब सब रेडी हो रहे हैं, नहा धो रहे हैं, मैं भी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, कुर्ता पजामा पहन लिया मैंने। अब कम से कम 10-15 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से मुश्किल से अजमेर जो है लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दरगाह जाते हैं, असर की नमाज़ पढ़ के हाजिरी देते हैं और फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो मैं फिर अब थोड़ी देर में मिलता हूँ, जब दरगाह पहुँच जाएंगे मैं दरगाह पर मिलूँगा। तो गाइस देखो ये है हमारे घर की कुछ नन्ही सी जाने, अभी चलते हैं, ये हमारे घर की कुछ नन्ही सी जाने, ये दोनों बच्चे मेरे मामू के हैं, देखो ये नन्नी, और ये मेरी खाला का बेटा है सबसे बड़ा, एक बेटा और है वो पता नहीं कहाँ है, वो अंदर कहीं है। दोनों तीनों बच्चे यहाँ पे खेलते फिर रहे, मैं भी यहीं पे बाहर ही हूँ। अब जैसा मैंने बताया था दरगाह के लिए फटाफट से निकलते, सब रेडी हो ही चुके हैं, निकल ही रहे हैं बस लगभग दरगाह के लिए, तो असर की नमाज यहीं पे पढ़ेंगे, हम वहाँ जाके पढ़ते हैं, अब जैसा भी है तो देखते हैं। गाइस देखो रात का बज रहे हैं इस टाइम पर 9:30, मैं हम आज सब जो है दरगाह से जाके वापस आ चुके हैं। मैं दरगाह पे कोई शूट नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगा, एक अदब और एहतराम वाली चीज़ होती तो मुझे उसके खिलाफ लगा, इसलिए मैं दरगाह को कुछ शूट नहीं किया। बाकी 9:30 तो बजना जा रहे हैं हम सब डिनर करने, काफ़ी थकान काफ़ी नींद भी आ रही है, तो मैं आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको कल एक ऑनलाइन ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।